सुखदेव जी जो कि ब्रह्मचारी थे, वह जंगल के रास्ते से निकल रहे थे और तालाब के किनारे कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी सहज भाव से निकल गए और स्त्रियों को पता ही नहीं चला वह कब निकल गए। और थोड़ी देर के बाद उनके पिता ब्यास जी उधर से गुजरे और जैसे ही ब्यास जी उधर से गुजरे सारी स्त्रियां अपने अंगों को सुकंचित करने लगीं और वस्त्रों से ढकने लगीं। ब्यास जी ने कहा, क्या कर रही हो? अभी अभी मेरा जवान बेटा दिगंबर गुजरा, तब तो तुम्हें कोई संकोच नहीं निकला और मैं बुढ़ा इधर से गुजर रहा हूँ और तुम लोगों को संकोच, ऐसा क्यों? स्त्रियों ने जो बात कही वह ध्यान देने योग्य है, ध्यान से सुनिए। स्त्रियों ने कहा, सुखदेव जी जवान है, अच्छी बात है, और आप बुजुर्ग हो गए, यह भी बात सही है, लेकिन आपसे केवल इतना निवेदन करते हैं कि सुखदेव जी भले जवान हैं पर उनके मन की वासना बूढ़ी हो गई है, वे कब निकले हमें पता ही नहीं लगा, और आप जवान भले ही वृद्ध हो गए, आपके मन की वासना लेकिन आज भी जवान है, इसलिए हमारा ध्यान आपकी तरफ खिंच गया। सवाल उम्र का नहीं, सवाल मन का है, काम को नियंत्रित कीजिए और इसके लिए क्या करें? दुश्मन पर जीत प्राप्त करने के लिए दुश्मन को अच्छी तरह जानना बहुत जरूरी है, ठीक वैसे ही इस काम विकार को जीतने के लिए इसको अच्छी तरह जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि कब आता है, किन जगहों पर आता है, किन के साथ आता है, क्या करने पर आता है, उन्हें पहचान कर उनसे बचें, उन्हें दूर करें। ब्रह्मचर्य संबंधित अच्छी किताबों का अध्ययन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक हम चाह कर भी इस पर जीत प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए रोजाना कुछ ना कुछ ब्रह्मचर्य के बारे में देखें या पढ़ें या सुनें, ब्रह्मचर्य की अच्छी अच्छी किताबों का अध्ययन करें। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने कई लोगों से ये कहा होगा कि अगर असली मर्द हो तो यहाँ आके मिलना, या असली मर्द हो तो वहीं पर रुकना, असली मर्द ही ऐसा काम कर सकते हैं। क्या तुम असली मर्द हो? ऐसा आपने कई बार सुना होगा और कहा होगा, लेकिन असली मर्द की पहचान क्या होती है, असली मर्द कैसा दिखता है, क्या होती हैं उसमें खासियां, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसका जवाब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से देना चाहूँगा। एक दिन बैंक में एक आदमी अपने खाते से संबंधित कुछ काम करने के लिए बैंक गया। वहाँ पर वह पहुँचा ही था, उसने देखा कि बैंक में काफ़ी भीड़ है। वह अपना काम कराने के लिए एक काउंटर पर खड़ा था, तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़ी एक बूढ़ी महिला पर पड़ी। काउंटर में लाइन काफ़ी लंबी होने के कारण वह महिला अपने हाथ में कुछ कागज लिए फर्श पर लेटी हुई भीड़ हटने का इंतजार कर रही थी। काफ़ी लोग उसके ऊपर से निकल गए, बढ़ते चले जा रहे थे, किसी ने भी उस बूढ़ी महिला पर ध्यान नहीं दिया। तभी वह आदमी जिससे उसकी यह हालत देखी नहीं, उसने उस महिला का रुख किया और उससे पूछा कि क्या काम है। उस महिला ने बताया कि अपनी पेंसिल लेने आई हुई है। इतना सुनते ही उस आदमी ने बड़े आदर के साथ उस महिला को उठाया और काउंटर पर आने को बोला, और वह आदमी मैनेजर के पास गया जो कि सामने ही बैठा था और उससे बड़ी नम्र आवाज़ से बोला कि आप कब से यहाँ बैठे हैं? और वह बूढ़ी महिला वहाँ लेटी है और आप देखते हुए अपने काम में व्यस्त हैं, आपको तो सबसे पहले उनका काम करना चाहिए, आपको शर्म नहीं आती? इतने बुजुर्ग लोगों को परेशान देखते हुए उस आदमी के इतना बोलते ही मैनेजर को बुरा लगा और वह तुरंत उस बूढ़ी महिला के पैसे निकलवा कर दे दिए और उस आदमी से माफ़ी मांगी, और वहाँ खड़े बाकी लोग चुराते हुए अपनी लाइन में खड़े रहे। उस मैनेजर से रहा नहीं गया और उसने आदमी से पूछा कि भाई साहब, एक बात बताओ, आपके चेहरे पर इतनी चमक और तेज कैसे है, आप क्या करते हो और कहाँ रहते हो? उस आदमी ने कहा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ और खेती बाड़ी करता हूँ। ये सुनते ही बैंक का मैनेजर उस आदमी को नमन करने लगा और कहा, मैं धन हो गया आप जैसे इंसान को देख के। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि असली मर्द वह होता है जो ज़रूरतमंदों की मदद करे, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए, औरतों की इज्जत करे, बुजुर्गों का सम्मान करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।